रोहन केरल के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर था। वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता था। उसका काम कूड़ा करकट साफ करना था। वह घर घर जाता था और कूड़ा उठाकर एक जगह फेंक देता था। फिर एक दिन रोहन अपने दोस्त रमन से कहता है, रोहन यार, मैं इस रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, बस यही काम बचा है मेरे पास। रमन, अब क्या करें भाई, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही है, ज्यादा मत सोचो और काम में लग जाओ रोहन। हाँ, करना ही होगा, नहीं तो खाना कहाँ से आएगा। फिर रोहन कूड़ा उठाने के लिए एक घर जाता है। गुरु, कल का कचरा दे दो मालिक, ले लो और समय से जल्दी आ जाओ। क्या यह तुम्हारा रोज का ड्रामा है, रोज देर से आता है रोहन। बॉस, इन दिनों बहुत ठंड है, इसीलिए आने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तुम बड़े बादशाह हो, सुबह जल्दी उठकर चोरों का काम करने से तुम्हें बड़ी परेशानी हो रही है। रोहन कचरा लेकर चला जाता है। फिर रोहन उन्हीं घरों से कूड़ा उठाकर जाने वाला होता है, तभी देखता है तालाब के किनारे सोने के रंग की 3 मछलियां तड़प रही थी। ओह, कितनी खूबसूरत मछली है, सुनहरी मछली की तरह, लेकिन यह तालाब से कैसे निकली, इसे वापस तालाब में छोड़ दूं। रोहन तीनों सुनहरी मछलियों को वापस तालाब में छोड़कर अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह वह अपना कचरा इकट्ठा करके एक जगह फेंक देता है और उसी तालाब से वापस चला जाता है। फिर तीनों सुनहरी मछलियां उसे फिर किनारे पर दिखाती हैं। अरे, ये सुनहरी मछली आज फिर तालाब के किनारे कैसे आ गई, कोई जानवर और पक्षी ले आई होगी, चलो वापस पानी में चलते हैं। ये कहकर रोहन तीनों सोने की मछलियों को वापस तालाब में छोड़ देता है। अगले दिन वही होता है। रोहन अब अपने मन में सोचता है, ये सुनहरी मछलियां रोज तालाब के किनारे आती हैं, शायद उनका यहाँ रहने का मन न हो, मैं एक काम करके अपने साथ घर ले जाता हूँ। तब रोहन तीनों सोने की मछलियों को अपने साथ घर ले आता है। मैं तुम तीनों को घर ले आया हूँ, लेकिन कहा, मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ कि मछली की टंकी ला सकूं। फिर रोहन पानी से भरा कांच का एक बड़ा बर्तन लाता है। आप तीनों को इसमें एडजस्ट करना है, अब इसमें एक साथ खुशी खुशी रहना। तब रोहन तीनों सोने की मछलियों को उस बड़े कांच के बर्तन में रखता है और आटे के गोले बनाकर उन्हें रोज खिलाने लगा। तीनों सोने की मछलियां आपस में खेलती थीं। एक दिन एक दुकानदार रोहन के घर आता है। रोहन, अरे रोहन, तुम इतने दिन से दुकान पर नहीं आए, इसलिए आया हूं, मेरा कर्ज लौटा दो। सेठ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, लेकिन कल मुझे मेरे पैसे चाहिए। तब रोहन काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो बीमार हालत में है। बेटा, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी दवा देता हूँ। जिंदा रहो बच्चे, तुम एक अजनबी की मदद कर रहे हो, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। रोहन फिर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब देखी उसमें पैसे नहीं थे, तो रोहन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, एक माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा, दवा दे दो। अगर हम तुम जैसे लोगों को ऐसे ही उधार देना शुरू कर देंगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। पहले भी बहुत लोग दवा ले चुके हैं, मैं तुम्हें दवा नहीं दूंगा। प्लीज डॉक्टर साहब, अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे दवाई दे दो डॉक्टर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो औरत मर भी जाती है, जब पैसे देती है तो दवाई लेकर ही जाना। वैसे तुम्हारी माँ कौन है, इतनी चिंता किसको है? मेरी तो माँ नहीं है, पर किसी की तो माँ होगी। तुम जैसे लोगों की वजह से इंसानियत पर से भरोसा उठ रहा है। रोहन उदास होकर घर आता है और सुनहरी मछली के पास बैठकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। मछली को देखता है, तभी अचानक एक मछली पानी से बाहर आती है और अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल लेती है। रोहन फिर सो जाता है। सिक्के को देखकर कहते हैं, ये सोने का सिक्का कहां से आया? बहुत देर तक सोचने के बाद भी रोहन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह सोने के सिक्के उठाकर अपनी दवाई लाता है और अम्मा को अपने घर में रखता है और बाकी के पैसे से कर्ज भी चुका देता है। तब अम्मा उससे कहती हैं, बेटा रोहन, इतने पैसे कहां से लाए?
मैं अम्मा को नहीं जानता। मैं बाजार से घर आया और अपनी सुनहरी मछली के पास उदास बैठ गया। फिर यहीं मुझे ये सोने के सिक्के मिले। अम्मा को यह समझ में नहीं आया कि सिक्के कहां से आए। फिर कुछ देर बाद रोहन सो जाता है। फिर उसे रात में आवाज सुनाई देती है। आवाज, रोहन रोहन रोहन। रोहन ऊपर देखता है लेकिन आवाज रुक जाती है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है। आवाज, रोहन रोहन रोहन। रोहन उठता है और मछली के पास जाता है। क्या तुम लोगों को भी कोई आवाज सुनाई दी?